हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी जो बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा नॉइज़ है उसके लिए। हो सकता है कुछ दिनों तक ये नॉइज़ रहे बैकग्राउंड में, सो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। कुछ दिनों के बाद मैं इस सबको मैनेज कर लूँगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों देखिए, जो आज की वीडियो है ना, वो मेनली है गर्ल्स के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनकी ज़िंदगी में कोई समवन स्पेशल है और जिनको डाउट है कि उनका प्यार उन्हें प्यार नहीं करता, उनके लिए। लड़कियों देखो, मैनी टाइम आप लोग क्या करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपकी फ़ोटो FB पर नहीं लगाता, व्हाट्सएप पर नहीं लगाता, आपके हाथ में हाथ डालकर नहीं चलता, रातों में पूरी पूरी रात आपसे बात नहीं करता, तो वो आपसे प्यार नहीं करता, उसका इंटरेस्ट किसी और में है, वो आपको चीट कर रहा है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो आपकी फ्रेंड्स हैं ना, उनके बॉयफ्रेंड उनसे रात को बात भी करते हैं, उनकी फ़ोटो लगाते हैं, पब्लिक में उनका हाथ पकड़ के चलते हैं, आपका बॉयफ्रेंड नहीं कर रहा है, तो आपको उस पर डाउट है। और मैनी टाइम आपने लोगों से यही सुना है कि प्यार करने वाले तो यही करते हैं, प्यार करने वाले किसी से डरते नहीं हैं, वो हाथ पकड़ते हैं, तो आपने यही सब चीज़ें सुनी हैं, इसलिए आपको डाउट होता है आपके पार्टनर पर। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। पहला कि सारे जो लड़के होते हैं, सारे जो इंसान होते हैं, उन सभी का नेचर अलग होता है। हो सकता है जो आपका बॉयफ्रेंड है वो थोड़ा सा शाय किस्म का लड़का हो, या फिर उसको अपनी पर्सनल चीज़ें पर्सनल रखना ज़्यादा अच्छा लगता हो, उसको ना पसंद हो कि सब लोग उसकी गर्लफ्रेंड को या उसकी पर्सनल लाइफ को देखें, उसको नहीं पसंद ये सब। तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो अलग सोच का इंसान है। क्योंकि देखिए, आजकल ना क्या होता है, सबके लिए सबको दिखाना दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया है। आपका बॉयफ्रेंड दिखावे पर बिलीव नहीं करता, इसका ये मतलब है प्योरली कि उसको अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रखनी है, उसको नहीं बताना चार लोगों को कि आप लोग कितना प्यार करते हैं। उसको पता है कि वो कितना प्यार करता है आपको, आप कितना प्यार करते हो उसको, और उसके लिए इतना ही काफ़ी है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि थोड़े जो मैच्योर लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ को सोशल नहीं करना चाहते, वो इसी तरीके के लड़के होते हैं, वो इसी तरीके के लोग होते हैं। हालांकि जो लोग ये सब करते हैं उनमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनमें भी कुछ गलत नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो पूरी पूरी रात बात करेगा ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड को नींद ज़्यादा आती हो, ज़्यादा थका हुआ रहता हो, लाइफ में ज़्यादा परेशानियाँ हो, क्योंकि टेंशन में भी इंसान को बहुत नींद आती है, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क करता हो, देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से उसको रात को नींद आती है। अब आप चाहती हैं कि भाई वो प्यार करता है तो उसको नींद नहीं आनी चाहिए, वो प्यार करता है तो रात में बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर आपका बॉयफ्रेंड रात को बात नहीं कर रहा है तो वो आपको चीट कर रहा है। तीसरी बात, अगर वो आपका पब्लिक में हाथ पकड़ के नहीं चलता है, हाथ में हाथ डाल के नहीं चलता है, इसका मतलब ये है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता, वो हेजिटेट फील करता है, थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं फील करता है, इसका यही मतलब है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो प्यार नहीं करता है। हर एक चीज़ को ना प्यार से आप रिलेट ना करें, आपके लिए हर एक चीज़ प्यार पे आके रुक जाती है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत आपको है अगर आप ऐसा सोचती हैं तो, क्योंकि ये सब चीज़ें प्यार नहीं दिखाती हैं। ये सब चीज़ें किसी का नेचर, किसी का बिहेवियर, किसी का डे कैसा स्पेंड होता है वो दिखाती हैं। इससे, इन सब चीज़ों से प्यार का कोई भी ताल्लुक नहीं है। एक पति पत्नी ज़्यादातर थोड़ी शादी पुरानी होने पर हाथ पकड़ के नहीं चलते पब्लिक प्लेस में, इसका मतलब ये हो गया कि वो प्यार नहीं करते, वो तो बहुत प्यार करते हैं। सो अपना अपना एक कंफर्ट लेवल होता है, आपको समझने की ज़रूरत है कि उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आपका बॉयफ्रेंड वो है जो पहले ये सब करता था लेकिन अब नहीं करता है, तो अलग बात है, तो आपको फिक्र करनी चाहिए, आपको टेंशन होनी चाहिए कि वो ऐसा अब क्यों नहीं करता। लेकिन अगर वो हमेशा से ही ये सब नहीं करता है और आज भी नहीं करता है, तो इसका सिंपल मतलब यही है कि उसका नेचर, उसका बिहेवियर अलग है। अब बात आती है कि जो प्यार करते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, आप लोग जाकर ज़रूर चेक करें।